पिथौरागढ़ के तल्ला जौहर इलाके में भारी बारिश के कारण रामगंगा नदी उफान पर है। रामगंगा अपने खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके बाद क्षेत्र में आपदा की स्थिति बन गई है। इस दौरान नाचनी में रामगंगा पर बना बागेश्वर को जोड़ने वाला पुल बह गया और नदी के आगोश में समा गया। वहीं आपदा की दूसरी तस्वीर ये रही कि एक जेसीबी मशीन रामगंगा में समा गई। नदी इस वक्त अपने उफान पर है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी का कहना है कि जिले के लिए 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तल्ला जौहर इलाके में कल रात भारी बारिश होने से रामगंगा नदी अपने खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, जिस कारण इलाके में ये त्रासदी हुई है। वहीं जिले के मुनस्यारी धारचूला इलाके में हो रही बारिश के कारण 36 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनको खोलने का प्रयास जारी है। वहीं नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सुरक्षा बरतने को कहा गया है। नाचनी में एक पैदल पुल जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ का जोड़ने वाला जो पैदल पुल जो है वो बह गया था। किसी प्राइवेट एक जेसीबी और कुछ मिक्सर प्लांट भी जो है बह गया करके एक सूचना प्राप्त हुई है। फिलहाल ये अलर्ट हमें पूर्व से रहने के कारण जो भी नदी के किनारे रहते हैं उनको विजिलेंट रखा गया है और कुछ परिवारों को जो है वहाँ से खतरनाक इलाके से जो है शिफ्ट करा करके सुरक्षित स्थानों पर अभी राहत शिविरों में रखा गया है। और जैसे बच्चों का स्कूल का भी जो है कुछ व्यवस्था हो रहा था तो वहाँ पे भी शिफ्ट करा करके परिवारों का राहत शिविर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।